आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है दो बिंदु ऋण 3, 2 तथा ऋण 4, 3 एक बिंदु ऋण 1, y से समान दूरी पर है, y का मान होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको पहले मान लेते हैं। माना a, यहाँ पे हमारा एक बिंदु है जिसके निर्देशांक ऋण 3, 2 तथा दूसरा बिंदु हमारा b है जिसके निर्देशांक यहाँ पे ऋण 4, ऋण 3 है, और जो हमारा अन्य बिंदु है यहाँ पे c है, उसको मान लेते हैं तीसरा बिंदु c होगा यहाँ पे जिसके निर्देशांक है ऋण 1, y। ये हो गया हमारा, ये दोनों जो बिंदु है a और b, बिंदु c से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। अब यहां पे जो है तो इनके बीच की जो दूरियां होंगी वो बराबर होंगी, ये हो जाएंगी हमारी, तो उनके बीच की दूरियां बराबर होंगी, ये हो जाएगा हमारा। तो यहां पे जो है पहले हम लोग जो है बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बाद जो है बिंदु बी तथा बिंदु सी के बीच की दूरी निकालेंगे। जी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा पहले हमारा बिंदु ए और सी के बीच की दूरी, फिर होगा हमारा बिंदु सी और बी के बीच की दूरी। मतलब हमको निकालना है यहाँ पे ए सी बराबर में बी सी, पहले बिंदु ए तथा सी के बीच की दूरी, फिर बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी, क्योंकि जो बिंदु सी है हमारा इन दोनों बिंदुओं ए और बी से एक समान दूरी पर है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमारा सूत्र होता है, पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे दो बिंदु हैं x1 y1 तथा x2 y2, इनके बीच की जो दूरी होती है बराबर में वर्गमूल के अंदर x2 ऋण x1 का पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग, ये सूत्र होता है हमारा। यहाँ पे दो बिंदु हैं a तथा c और दूसरा बिंदु है हमारा यहाँ पे b तथा c। ये जो दूरियां आएंगी ए सी और बी सी एक दूसरे से बराबर होंगी, क्योंकि जो बिंदु c है बिंदुओं a तथा b से एक समान दूरी पे है। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे हम लोग जो है ए सी, एसी के लिए हमारा जो है ये हो जाएगा x1, ये y1 यहाँ पे, और ये x2 और ये y2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा ऋण 1 ऋण 3 यहाँ पे, और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। फिर आगे धन होगा हमारा, फिर होता है हमारा सूत्र में y2 ऋण y1, तो y2 का मान हमारे यहाँ पे y है, ये हो जाएगा यहाँ पे y, और y1 का मान यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा 2 का वर्ग। इसी तरीके से इधर BC जो दूरी है उसका मान निकालेंगे, तो BC के लिए हमारे x1 ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4 फिर ऋण, यहाँ पे ऋण 1 हो जाएगा और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। फिर धन में यहाँ पे हो जाएगा हमारा आगे, ये हो जाएगा हमारा जो है यहाँ पे y2, यहाँ पे y है तो y रखेंगे यहाँ पे हम लोग y2 के स्थान पे, और y1 हमारा यहाँ पे ऋण 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 3 और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। अगर हम लोग जो है यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो इससे हमारा ये वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब जब वर्ग कर देंगे तो ये हमारा दोनों पक्षों में वर्गमूल हट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास जो है यहाँ वर्गमूल हटने के बाद हमारा ये इतना आ गया दोनों पक्षों में। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऋण 1 और ये धन 3 हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा,
तीन में से एक घटेगा तो यह आ जाएगा हमारा दो का वर्ग, और यहाँ पे यह हमारा हो जाएगा वाई ऋण दो का पूरे का वर्ग है यहाँ, और इधर हो जाएगा हमारा ऋण एक, ऋण चार है ये, और ये हमारा जो है यहाँ पे ऋण एक है, ये धन हो जाएगा। तो एक में से जब चार घटेगा तो ऋण तीन आ जाएगा यहाँ पे, ऋण तीन का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा आगे आएगा ये जो है वाई, और ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन तीन का ही पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए और इसको हल करने के लिए हम लोग जो है पहले सूत्र लिख लेते हैं। ये सूत्र हो गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं ये ए ऋण बी के रूप में आ रहा है पूरे का वर्ग, तो ए ऋण बी के पूरे का वर्ग का बराबर होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण दो ए बी, और यहाँ पे जो है ये ए धन बी के वर्ग के रूप में आ रहा है पूरे के, इसका मान होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन दो ए बी। यहाँ पे हमारा हो जाएगा दो का वर्ग मतलब चार, और इसको जो है इस सूत्र के सहारे हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा वाई का वर्ग, फिर हो जाएगा धन ऋण दो का वर्ग, फिर ऋण दो ए का मान हमारा यहाँ पे है वाई, ये हो जाएगा वाई, और जो बी का मान हमारा है यहाँ पे ये है दो, फिर ये हो जाएगा हमारा बराबर में इधर ऋण तीन का वर्ग होगा नौ, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये वाई का वर्ग धन तीन का वर्ग धन दो वाई, और ये तीन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा जो है इतना इस सूत्र की सहायता, इसको जो हमने इस सूत्र की सहायता से हल किया और इसको जो हमने इस सूत्र की सहायता से हल किया। अब इसको और आगे हल करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे चार धन वाई का वर्ग, ये हो जाएगा चार, और ऋण हो जाएगा ये चार वाई, इतना आ गया। और इधर है हमारा जो है नौ धन वाई का वर्ग धन नौ धन छ वाई, ये आ गया। अब यहाँ पे वाई का वर्ग है इस पक्ष में भी और इस पक्ष में भी वाई का वर्ग है, दोनों घट गया हमारा, तो बचा हमारे पास चार और चार, ही हो जाएगा आठ, तो हो जाएगा आठ ऋण चार वाई, इधर हो जाएगा हमारा नौ और नौ धन अठारह हो जाएगा धन छ वाई। अब वाई वाले पद को एक साथ कर लेते हैं तो हमारे पास जो बचेगा जो है ये हो जाएगा आठ अठारह को इधर भेज देते हैं ऋण अठारह, और यहाँ पे छ वाई धन चार वाई, इधर ये जब पक्षांतर हो जाएगा ऋण चार वाई धन में हो जाएगा, तो इसको आगे हल करेंगे तो ऋण दस आ जाएगा, और यहाँ पे दस वाई आ गया, आगे आ जाएगा वाई बराबर ऋण दस बटे दस, दस इक्के दस कट जाएगा ये, तो आएगा हमारे पास ऋण एक, इसको काटने के बाद ये हो जाएगा हमारा जो है एक बार में कट गया, तो वाई का मान आएगा यहाँ पे काटने के बाद ऋण एक, ये आ गया हमारा वाई का मान। तो हमको वाई का मान निकालना ही था यहाँ पे, इस प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं जो हमको निकालना था वाई का मान निकालना था जो कि ऋण एक आ रहा है। यहाँ पे अगर हम विकल्प में देखें विकल्प नंबर सी में ऋण एक आ रहा हमारा, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।